वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं इजी एंड क्विक चटपटी भेलपूरी की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर हम चटनी, सेव और पापड़ी चाट की पूरी पहले से बना के स्टोर कर लें तो भेलपूरी बहुत जल्दी बन जाती है। भेलपूरी बनाने के लिए मैंने अराउंड 100 ग्राम पफ्ड राइस लिए हैं, मुरमुरे। मैंने ऑयल में हल्दी पाउडर और नमक ऐड करके इसे रोस्ट कर लिया है। इमली की खट्टी मीठी चटनी, नमक, चाट मसाला, पापड़ी चाट की पूरी, लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है, चिवड़ा मिक्सचर, नाइलॉन सेव, 2 आलू को मैंने बॉईल करके चॉप कर लिया है। मैंने काले चने को 6 से 8 घंटे भिगो के मैंने इसे बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया था। 2 टमेटो चॉप कर लिए हैं, 1 ओनियन को मैंने चॉप कर लिया है, हरा धनिया। अब एक पतीली में पफ्ड राइस ऐड करेंगे, बॉइल्ड आलू, चना, ओनियन, टमेटो, हरी मिर्च, चिवड़ा मिक्सचर, पापड़ी चाट की पूरी, इसे मैंने हाथ से ही ऐसे तोड़ लिया है। चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, इमली की खट्टी मीठी चटनी, नाइलॉन सेव, 2 इसे मिक्स कर ले। आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम ले सकते हैं। आप इसमें ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अगर पापड़ी चाट की पूरी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हमारी चटपटी भेल तैयार है। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ओनियन, टमेटो, हरा धनिया, नाइलॉन सेव, थोड़ा सा चिवड़ा मिक्सचर ऐड करेंगे। तो ये भेल पूरी तैयार है। सब्सक्राइब हियर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियोज़।